एडिट्स के टोटल 8 एपिसोड हैं और इसका जो शूटिंग हुआ है वो पूरा 1998 का पूरा एक जो टाइम फ्रेम है आर्म्ड पुलिस फोर्स का पूरा एक कैंपस दिखाया गया है आपको, और उसमें ये कुछ दोस्त हैं जो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं, अप एंड डाउन्स कैसे आते हैं, ये पूरा आपको इस पूरे वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जब मैं देख रहा था तब मुझे समय रहना का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, उसका एक डायलॉग है लाइफ इज़ अनफेयर, और ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि लाइफ कितना ज़्यादा अनफेयर है। एक स्पेशल मेंशन भाई, सिनेमेटोग्राफी इस पूरे वेब सीरीज़ का इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अच्छे अच्छे वेब सीरीज़ वाले देख के शर्मा जाएंगे। और एक और बार मैं मिर्ज़ापुर 3 का नाम लेना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने जो स्कैम किया है उससे अच्छा आप इस वेब सीरीज़ को देखो। इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा ज़िंदगी में एक आर्म्ड ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जब आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड बंदे हो तो ही आपको मज़ा आएगा, एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी इतना टॉप नॉच है कि आप इसके पूरे स्टोरी में डूब जाओगे। सबसे अच्छा चीज़ ये कि ये 8 एपिसोड का पूरा वेब सीरीज़ है और स्टार्टिंग से ही ये लोग स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मज़ा देना स्टार्ट कर देते हैं, रुकते नहीं हैं। जितने भी इसमें एक्टर्स हैं उनके लिए तो भाई एक तालियां ही बनती हैं भाई, उन्होंने इतना अच्छा काम किया ना भाई। नए नए एक्टर्स हैं, कोई पुराने एक्टर नहीं है, सारे नए नए एक्टर हैं, पर जो काम किया है उसके लिए भाई मज़ा आ गया देख के। मतलब ये होता है वेब सीरीज, ऐसे वेब सीरीज आए तब देखने में मज़ा आता है। इसमें एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग है जो मेरे दिमाग में रह गया, पनिशमेंट इज ट्रेनिंग। और भाई ये सब कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो कुछ ऐसे लाइफ लेसन हैं जो आपको सिर्फ इस वेब सीरीज से सीखने को मिलेगा। 8 एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने लाइफ के रिलेटेड। और एक चीज़ है लॉयल्टी के ऊपर कि लॉयल्टी प्लेज इन लॉन्ग रन, जो कि बिल्कुल सच्चाई भी है भाई। और ये पूरा का पूरा आपको सब इस वेब सीरीज में सीखने को, देखने को, समझने को मिलेगा। एक बिल्कुल ही अलग टाइप का वेब सीरीज था जो कि आपको देखने में मज़ा आएगा। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब टॉप नॉच के थे, डायरेक्शन भाई मज़ा आ गया, डायरेक्शन वगैरह मतलब टोटल इतना है कि वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। बस कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि बीच बीच में हल्का हल्का स्लो होना या बहुत ही लंबे लंबे डायलॉग्स, वो आपको थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, पर आप डूब जाओगे जब इस वेब सीरीज़ में तो आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा ये सब चीज़, आप पूरा डूबोगे और वेब सीरीज़ ख़त्म करके ही उठोगे। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको देना चाहूँगा 8.7 का रेटिंग। अगर आपने देख लिया है इस वेब सीरीज़ को तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी एक अलग टॉपिक के ऊपर बनाया गया था, बहुत ही एक अलग अप्रोच था। पॉइंट मैंने इसलिए काटे बिकॉज लाइफ इज अनफेयर। तो आपको कैसा लगा वेब सीरीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।